अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो टुडे मैं क्या करने वाली हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड टुडे इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो व्हिच आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू गाइस दैट आई एम गोइंग टू डू अ रूम टूर. मेरे पास बहुत कमेंट्स आते थे, मैसेजेस आते थे, डीएम्स में आते थे, इंस्टा पे आते थे, प्लीज़ रूम टूर करें. बट आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट फॉर द वेरी बिजी स्केड्यूल मैं नहीं कर पा रही थी. बट टुडे मैंने कहा नहीं, बस अब करना है रूम टूर, तो लेट्स गॉट. सो मैं अब स्टार्ट करूँगी अपना रूम टूर बगैर किसी इंतज़ार के. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू माई रूम पूरा वाला ओवरऑल. सो या सो दिस इज माई रूम लुक लाइक. दिस इज माई वैनिटी वेयर आई विल मेक ऑल माई ट्यूटोरियल्स, जहाँ मैं तैयार होती हूँ और अपनी यू नो सेल्फीज भी लेती हूँ. बट दिस इज द मिरर जहाँ मैं अपनी कंप्लीट सेल्फी लेती हूँ. एंड दिस इज मी, हाय वंस अगेन. ओके सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वैनिटी से. सो अगर मैं अपनी वैनिटी के करीब आती हूँ तो देयर इज थ्री ड्रॉज़र्स जो कि मैंने मिरर सेक्शंस रखे हैं, विच मेरे लिए बहुत ईजी रहता है कुछ भी सामान को देखना. तो इन दिस सेक्शन इन द फर्स्ट ड्रॉअर I'm going to keep it my all foundations over here, my tint, mere compact powders. This is everyone know ye beautify by Amna ka bronzer, blush ons. Okay, so these are my foundations and I personally like this one. This is by beautify by Amna ka radiant foundation which is really bright to cover, you know, like आप कहीं भी इसको लगा के जा सकते हैं easily. And the second one is this Far Beauty का cheesecake. This both are my favorite foundation by the way. वैसे तो यहाँ सभी मेरे पसंदीदा foundations हैं क्योंकि you know कभी भी कुछ भी कैसे भी carry करना हो बंदा कर सकता है easily. So this is the my first drawer. And this is O2O ka mera mineral compact powder hai which is really 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 good. I personally main aap log bolungi ki aap log zarur le. And this is also my one of my favorite which is also from Birfa by Amna. To ye hai, this is my first drawers. Okay, so yeah, it look like this. Okay, in the second drawers I'm going to keep it all my शेडोज. सो या इसमें से बहुत ज़्यादातर मैंने दुबई से ही परचेज किए हैं बिकॉज मैं वहीं रहती थी. अभी मुझे पाकिस्तान मूव ऑन हुए हुए 1.5 ईयर हुआ है. दिस इज ऑल माई शेडोज. दिस इज हुडा ब्यूटी अखा एंड दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट by the ocean palette by Birfa by Amna. Also these all my shadows over here look. And the third one draws I'm going to keep it all my glosses, my lipsticks. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये विक्टोरिया सीक्रेट का, ये भी मैंने वहीं से बाई किया था. दिस ऑल्सो आई बॉट इट फ्रॉम दुबई. और ये मेरी सारी लिपस्टिक्स हैं, ये मैक की मिनी लिपस्टिक्स हैं विच इज़ आई पर्सनली प्रेफर के बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, आप यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल माई लिपस्टिक शेडोज. दिस इज़ ऑल्सो इज फ्राम लनकॉम. ये बहुत अच्छा है समर्स में इसको यूज़ करना, लाइक आई पर्सनली प्रेफर दीज ऑल. सो या दीज ऑल माई लिपस्टिक शेड्स. सो अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ये ऊपर से इस तरह का दिखता है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेक्शन को फाउंडेशन बना लिया जाए, दूसरे को आई शेडो. ये तीन सेक्शन जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं. और अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास ये सारे ड्रॉजेस हैं
एंड दिस इज माई वैनिटी मिरर। सो अब हम इसके नीचे वाले ड्रॉजर्स में देखते हैं। इवन मुझे भी नहीं पता क्या क्या है, लेकिन मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ। सो दीज ऑल माई शेडोज मिस रोज के हैं, लैपकॉस के हैं और एसेंस के हैं। दीज ऑल माई आई लाइनर्स, द ग्लिटर आई लाइनर्स वन। दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट हाईलाइटर YSL का एंड मेंगलिन न्यूयॉर्क का, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। एल्फ जस्ट लव, किसका लव नहीं होता ये। O2O का आई न्यूली बॉट दिस वन, बट इट्स प्रीटी गुड, इट्स रियली लाइट टू कैरी यू नो, तो बहुत अच्छा है। सो इन दिस सेक्शन आई कीप इट ऑल दिस एशडोज, हाईलाइटर्स, ब्राउनजर्स एंड दिस डस्ट, एवरीथिंग या इन द सेकेंड ड्रॉज आई कीप इट। तो ये बहुत अच्छा है। बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे पूछा कि प्लीज़ अपना वैनिटी टूर करें, उनकी शादियाँ हैं तो यू नो आइडिया मिल जाता है, तो वाई नॉट। बट आई रियली सॉरी कि बहुत ओके। इन द नेक्स्ट डोर आई कीप इट ऑल द ट्रैश ब्रशेस, लाइक जो कि मेरे यूज़ में नहीं आते वो मैंने रखे हुए हैं। दिस देखें, स्पंज का हाल देखें, इससे आपको पता चलता होगा कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ अपने व्लॉग्स के लिए। ओके एंड दिस ऑल्सो स्पंजेस, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट विच आई यूज़ पर्सनली ओनली फॉर माई फेस ब्यूटीफाई। और इसका जो लिटरली इसका जो पैकेजिंग है आप लोग देख सकते हैं, इतनी कोई खूबसूरत है कि एक हाथ से मुझसे खुल भी नहीं रही है। बट ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त पफ है और बहुत ईजी टू ब्लेंड है, बहुत अच्छा है ये। ओके एंड दीज ऑल माई वो वाले ग्लॉसेस जो मैं अभी नहीं यूज़ करी थी, दीज माई वन ऑफ माई फेवरेट अतर जो मैं बहुत, मुझे ये इसकी स्मेल पसंद है, सबाया। ये भी मैंने दुबई से ही लिया है बिकॉज आई डोंट नो कि यहाँ पे ओरिजिनल मिलता है नहीं मिलता, बट या आई बॉट इट फ्रॉम दुबई। दीज ऑल माई नेल पेंट्स, इट्स नॉट ऑल माई नेल पेंट्स, मेरे पास बहुत सारी हैं, बट या ओके। इन दिस सेक्शन आई कीप इट ऑल माई लैशेज ओवर देयर, देख सकते हैं आप ये सब, इसमें सिर्फ ऑल लैशेज हैं, देखिए खाली भी रखा हुआ है। ये मेरी यूज़ की हुई लैशेज हैं, दिस ऑल द यू नो द हैवी वंस। और ये मैंने ख़रीदी थी मिनीसो से, विच इज़ रियली लाइट, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इजी है लगाना इसको, और इवन इसको कैरी करना आपके सर में भी दर्द नहीं होगा। सो या दिस ऑल माय लैशेज सी, एंड दिस माय परफ्यूम्स आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट बिकॉज मेरे पास वैसी बहुत फ्रेगरेंसेस हैं जो कि मैं आप लोग को शो करूँगी। ओके एंड द थर्ड ड्रॉस, ओ माई गॉड, दिस इज माई लव। मेरी सारी एक्सेसरीज हैं जो कि बिल्कुल भी तमीज़ से नहीं रखी हुई, बट क्या कर सकते हैं, टाइम अभी मिला था मुझे व्लॉग बनाने का, तो आप लोग प्लीज़ देखिए, आप लोग प्लीज़ कुछ गंदे गंदे कॉमेंट्स नहीं किएगा। ये मेरी सारी एक्सेसरीज हैं। ओके इन द नेक्स्ट ड्रॉर आई एम गोइंग टू ओपन इट, दीज ऑल माई मशीनरीज, माई कर्लर्स, माई हेयर ड्रायर, माई ट्रिमर, और यस दीज ऑल माई, इसमें और भी चीज़ें बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू। या सो दीज सेक्शन आई कीप इट ऑल दिस स्टफ, ये बहुत आई जस्ट, अब मैं आती हूँ इस वाले ड्रॉजेस की तरफ। हाँ तो इन दिस ड्रॉर आई कीप इट ऑल माई सीरम्स, ये मेरे सारे सीरम्स हैं, ये मेरा आई मेकअप रिमूवर है, और ये जो है वो गेट सेट ग्लो है, ये मेरा लैनकॉम का है विच इज़ आई पर्सनली प्रेफर, जो जो मैं मुझे बहुत पसंद है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। And this is all my colorful eyeliners, my concealers, my mascara, and also my serum. This is Glow to Go by Essence. I just, you know, ये भी बहुत love है. तो yeah, this is Beautify by Amna का. अच्छा है, but मैं नहीं करती use. I personally like this primer, which is Face It. Face Primerize the Studio, it's really nice. And this is all my Dr. Rashid ke serum, this is my iconic London Iconic, I'm going to show you. This is also this is really nice, you know, like this is also I bought it from Dubai.
यहाँ से नहीं खरीदा. ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन, ओह दिस इज ऑल्सो माई स्किन केयर. आप देख सकते हैं बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं थी ये वीडियो, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्किन पॉलिश. इट्स अ हर्बल, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मुझे बहुत जल्दी से रैश हो जाते हैं स्किन के ऊपर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई कर सकती. तो या ये है मेरा, और दिस इज़ ऑल नो दिस मास्क, और स्पंजेस हैं विच जो मैं किसी और के यूज़ करती हूँ मैं यहाँ नहीं कैरी करती, जो मैं अपने यूज़ करती हूँ वो मैं यहाँ कैरी करती हूँ. एंड दिस इज़ या यो मैजिक. इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्रशेज जो है ना वो वॉश हो जाते हैं विद इन अ सेकेंड. सो या इन दिस ओके इन दिस ड्रॉज आई कीप इट ऑल दीज स्टफ. ओके इन दिस वन कॉटन बॉल्स, बिकॉज एवरी वन नो कि मेकअप के बाद आपको इसकी बड़ी अशद ज़रूरत होती है, सभी को होती है, क्योंकि आपका मेकअप रिमूव अच्छे से आपको करना होता है, फिर आपको स्किन मॉइस्चराइज करना एक हेल्दी स्किन के लिए. अगर आप मेकअप के बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं करते तो दिस इज़ रियली बैड, यू हैव टू डू समथिंग. तो या दिस आई बॉरेड फ्रॉम स्किन केयर क्रीम बूस्टर. दिस ऑल्सो आई बॉरेड मिनीसो लकी वन से लिया था. बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, मैं करती हूँ इसको जब भी मुझे अपने स्किन केयर करना होता है. ओके इन द नेक्स्ट ड्रॉर व्हाट आई कीप इट, ओह दिस इज़ ऑल द जो मेरे पास मुझे गिफ्ट्स आते हैं, पीआर्स आते हैं, तो ये सब वो हैं. बट ये मैंने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती. दिस इज़ माई मिनी पापा अडल्ट वाइप्स. ये मेरे साथ हमेशा होते हैं क्योंकि बहुत इनके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि एवरीवन हैज़ टू कीप दिस इन बैग्स, यू नो लाइक ये बहुत नेसेसरी चीज़ है, बहुत होनी चाहिए, कभी भी किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है. तो ये मेरे फेवरेट हैं. ओके ओके दिस इज़ माई सिस्टर गिफ्ट मी स्पंज वॉशर. बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका मैं कोई एक दिन ट्यूटोरियल करूँगी एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट कि स्पंज कितनी जल्दी चेंज हो जाता है. सो दिस इज यस. ओके इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट ड्रॉर्स, दिस इज माई हॉट एंड कोल्ड वाइन हेयर ड्रायर. एंड दिस इज लाइक बहुत प्यारा लव. दिस इज माई स्ट्रेटनर जो कि मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक. दिस ड्रायर भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं की. दिस इज़ माई नो आईफोन चार्जर. दिस इज़ माई लैपटॉप चार्जर्स एंड आई कीप दिस सम यूएसबी ट्वीज़र एंड सम कीज. और दिस ऑल्सो एज यू गाइस सी. सो या इन दिस ड्रॉर्स आई कीप इट लाइक दिस. ओके अब हम आते हैं वैनिटी मिरर की तरफ. तो दिस वैनिटी मिरर ये सब मेरे हस्बैंड ने बनवा के दिया है. उनके एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा जो है उनका फर्नीचर का शोरूम है कराची में ही, तो वो बहुत अच्छे से बनाते हैं. तो मेरा ये जितना भी सेटअप है ये उन्होंने बनवाया एंड इट कॉस्ट लाइक 1 लाख समथिंग सब चीज़ों के साथ. तो नॉट सब चीज़ें कि मैंने जो डेकोरेशन किया हुआ है वो भी, बट इट्स ऑल अबाउट जस्ट फर्नीचर द लाइटिंग्स एंड द कनेक्शंस एंड एवरीथिंग. तो दिस इज़ माय वैनिटी मिरर जिसपे आप देख सकते हैं कि कितने सारे बल्ब्स लगे हुए हैं. इसमें सेल्फीज़ बहुत अच्छी आती है, मेकअप बहुत अच्छा होता है, आपको पता चलता है कि कहाँ क्या चीज़ छूट रही है. तो येस दिस इज़ माई वैनिटी लुक लाइक्स. ओके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं की, दिस इज़ डेटॉल सैनिटाइज़र. ये तो अब ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है. सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि कहीं पर भी जाएँ, किधर भी जाएँ, वो सलून हो, वो मार्केट हो, वो रेस्टोरेंट हो, व्हाटएवर इट इज़, बट यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड फर्स्ट, बिकॉज आपको अच्छी बात है कि आप किसी भी जर्म से दूर रहेंगे. ओके इन दिस सेक्शन I keep it this. This is my Beautify by Amna ka sponge which is look like oh my god dear. Shadid tareen jo hai kharab halat mein hai but kya kar sakte hain use karte hain. Okay and this one, this is all my fluffy brushes over here jo main use karti hu. And yeah this is my lighting remover. Okay
तो अब हम आते हैं अपने इस सेक्शन की तरफ, विच इज आप सब देख सकते हैं कि कैसा लगता है. ओके, इन द फर्स्ट साइड मैंने जो है वो शोपीस रखे हैं, विच आई बॉट इट फ्रॉम दुबई एज वेल. दिस मिरर मैंने कराची से ही लिया था, बट दिस बुर्ज अल अरब एंड दिस अलादीन का चिराग दुबई का है. सो या ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन, ओ माई गॉड दिस इज जस्ट लव. ये मेरा फ्रेगनेंस सेक्शन है, वेयर आई कीप इट माई ऊद, माई परफ्यूम्स एंड यू नो लाइक दिस बॉटल. ओ माई गॉड दिस इज ऑल्सो बॉय फ्रॉम दुबई, दिस इज ऑल्सो. तो ये मेरे बड़े प्यारे प्यारे फ्रेगनेंसेज हैं. दिस इज फ्राम विक्टोरिया सीक्रेट एंड दिस इज ऑल्सो विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. दिस इज ऑल्सो फ्राम विक्टोरिया सीक्रेट. ये मेरे बड़े ज़बरदस्त किस्म के परफ्यूम हैं, विच इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, के कपड़े धुल भी जाएँ तो उसकी स्मेल नहीं जाती. ओके, तो या इट लुक लाइक ओके. इन दिस सेक्शन आई कीप इट समथिंग वेरी लाइट. ये ब्यूटीफाई बाय आमना का मैंने लिया था, ब्यूटीफाई बाय सलमान सॉरी. तो ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ. और अगेन विटामिन सी डॉक्टर राशल का, और विटामिन सी डॉक्टर राशल का क्लिनजर है, ये भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ. ओके, एंड दिस इज मेरी फ्रेंड की सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, विक्टोरिया सीक्रेट का वेलवेट पेटल्स. मैंने नहीं ख़रीदा, शी केम फ्रॉम अमेरिका, तो उसने मुझे गिफ्ट किया था एंड आई एम रियली थैंकफुल कि उसने मुझे इतनी अच्छी चीज़ गिफ्ट की. ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन, ओ माई गॉड लुक एट दिस. ये सब मेरे दिल हैं बहुत सारे, ये मिस्ट हैं. एवरीवन नोज के समर्स हैं, समर्स में आप एक भी दिन अगर नहीं बात लेते तो यू नो बड़ा अजीब लगता है, बट सम टाइम होता है कि नहीं ले पाते हम. बट सबको हटा दीजिए, ये सारे मेरे मिस्ट हैं. बोनांजा सतरंगी बहुत ज़बरदस्त है एंड दिस इजी, ये दुबई का ही ब्रांड है एंड दिस इज़ डिज्नी प्रिंसेस. मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ये ले लिया. एंड दिस इज़ लव विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम मनीसो बॉडी मिस्ट. ये मैंने अपनी अम्मी के पर्स से चुराया था, ये मैंने नहीं ख़रीदा, मुमसो का है सॉरी. ये मैंने अपनी अम्मी की पर्स से जो है वो निकाल लिया था बिकॉज मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी. सो ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन, ओके सो ये सारे जो है वो मेरे बॉडी स्प्रेज हैं. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इनके बारे में आपको क्या बताऊँ, सभी को पता होता है. बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग को भी यूज़ करना चाहिए. तो अब हम आ जाते हैं अपने इस कॉर्नर की तरफ जहाँ मेरी तीन रिंग लाइट्स खड़ी हुई हैं. और आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे तारों का झुमकटा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि इनको मैं किस तरीके से मैनेज करूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है. तो या जब भी मुझे कुछ रिंग लाइट्स की, यहाँ पे एक बोर्ड का कनेक्शन दिया हुआ है मैंने, जब भी मुझे कुछ यूज़ करना होता है आई कीप इट प्लग इन और वो मैं यूज़ कर लेती हूँ ईजीली. तो या Now let's come into the next section. This section मेरा favorite section है because यहाँ मैं vlog करती हूँ. Vlog मैंने इतने ज़्यादा बनाए नहीं है but यहाँ मैंने उसका एक proper area बनाया है. Okay, this is बड़ा खूबसूरत ही rug है जो कि मैंने सवाद से लिया था जब मैं घूमने के लिए गई थी पाकिस्तान टूर पे. तो ये रग मैंने वहाँ से लिया था एंड बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है. उसके साथ मैंने एक वो भी बाय किया था, बहुत ही ज़बरदस्त. एंड दीज मिनी स्टूल्स आई बाय फ्रॉम होम डेकोर बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से हैं और बैठने में भी बहुत कंफर्ट है एंड यू कैन चेंज उनका ऊपर का साइड भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं. सो यस दिस इज़ लाइक दिस. ओके, अब आ जाते हैं हाँ इस सेक्शन पर. सो ये भी मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से मंगवाया था विच आई फॉरगॉट बट मैं मेंशन करूँगी इंशाल्लाह. एंड दिस इज़ आई शो यू, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरी. जब मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ दिखनी होती है जिसका मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं भूल जाऊँगी तो मैं इसमें नोट डाउन करती हूँ बिकॉज आई लव यूनिकॉर्न्स. तो मैंने इसलिए यूनिकॉर्न वाली डायरी ली है, बहुत पसंद है मुझे और अच्छी है, हैंडी है, इसको कहीं पर भी जाके मैं यूज़ कर सकती हूँ.
एंड इसके बारे में यही कह सकती हूँ कि आई नोटेड ऑल द यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑन इट. या सो दिस इज लुक लाइक दिस. ओके इसमें क्या रखा हुआ, दिस इज माय फर्स्ट अल्फाबेट नेम एंड दिस इज मिसेस ऑलवेज राइट. मेरी कजिन ने मुझे गिफ्ट किया था तो या. एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन आई कीप इट अ वेरी स्मॉल एंड यू नो क्लासी ग्लास जिसमें मैंने दो तीन फ्लावर्स डाले हैं. दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट कैंडल, सेंटेड कैंडल्स, बहुत ज़बरदस्त है, सबके पास होने चाहिए. एंड द लास्ट थिंग, दिस इज़ ऑल्सो आई बॉट इट फ्रॉम दुबई, यहाँ से नहीं लिया, ये बुर्ज अल खलीफा है, सबको मालूम होगा. अब हम आते हैं अपने इस लॉन्ग मिरर की तरफ. ये मेरे हस्बैंड ने जो है वो डिज़ाइनिंग करवाई है बिकॉज यू नो उनको भी मेरी तरफ बहुत शौक है हर चीज़ करने का. एंड मैं एक व्लॉग उनके साथ भी ज़रूर बनाऊँगी. सो इन दिस लाइन ये मैंने जो है अटैच नहीं करवाए हुए बल्ब, यू नो कि सब जगह ये ऑनलाइन मिल रहा है तो ये मैंने एक बल्ब लिया था. एंड दिस मिरर आई टेक यू नो कम्प्लीट सेल्फी ले सकती हूँ मैं इजीली, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा आता है एंड बहुत खूबसूरत भी लगता है. ओके ओके सो लेट्स कम एंटर दिस वॉलपेपर. दिस वॉलपेपर मैं इसके बारे में यही बोल सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड की पसंद है, उनको बहुत पसंद आया था और उन्होंने कहा कि समथिंग वेरी यूनिक, यू नो बहुत यूनिक चीज़ हो जाएगी अगर हम ये ले लेते हैं. तो यस हमने ये लिया. ओके इन द सेकेंड थिंग दिस you know sitting area, it's really important to have in your room because मेरे पास clients भी आते हैं, brides भी आती हैं, तो उनको बिठाना बड़ा, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर मैं नहीं बिठा सकती. तो ये मैंने आयशो मंजिल से लिया था कराची में, which is cost something 15,000 or 16,000. इसको लिए हुए एक साल हो चुका है तो मुझे इतना रिमाइंड नहीं है. तो या ये मैंने वहाँ से लिया था. ओके एंड दीज लैम्प्स आई बॉट इट फ्रॉम कौन सी मार्केट से लिए थे ये भी मैं भूल गई, बट इट्स ओके. सो ओके लेट्स कम इनटू दिस सेक्शन. सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट मिरर वेयर आई कीप इट टेक ऑल सेल्फीज एंड मिरर सेल्फीज. दिस मिरर हाँ इसकी भी एक स्टोरी है. वो स्टोरी ये है कि ये इस कमरे में सूट नहीं करता बट मैंने फिर भी रखा हुआ है बिकॉज मुझे बहुत पसंद है ये मिरर और मैं इसको नहीं चाहती यहाँ से हटाना. तो इसका अगर मैं यहाँ बैठ के सेल्फी लेती हूँ तो मेरे बड़ा पीछे से बड़ा खूबसूरत बैकग्राउंड आता है तो मैं नहीं हटाना चाहती. ओके दिस इज़ द वॉशरूम. वॉशरूम टूर मैं नहीं करवा सकती एज यू गाइस नो. ओके इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन की मैं एक पर्सनली वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि ये मेरा ज्वेलरी स्टफ है और मैं इसको ऐसे नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को. ओके दिस इज़ माई लैपटॉप बिकॉज यू नो वीडियोज़ एडिट करनी होती हैं सम टाइम, बड़ा कोई आपको काम पड़ता है. दिस इज स्मॉल मिरर, सॉरी स्पीकर. जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो यू नो मूड को चिल करना बड़ा ज़रूरी होता है. तो या इन दिस सेक्शन वी हैव यू नो लाइक फोर ड्रॉज़ेस ओवर देयर बट इसको मैं नहीं बनाऊँगी, अभी नहीं दिखाऊँगी आप लोगों को क्योंकि ये मेरा ज्वेलरी सेक्शन है और इसकी मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊँगी. ओके लेट्स कम इन टू दिस सेक्शन. So this section is look like all of my skin cares. So in this section I keep it this Cosmoga 24 karat gold mask. This is rice gel twist. This is eye mask pons. This is Sephora ka makeup remover jo ki main bahut use karti hu, abhi bhi bahut sara hai. This is Urban Decay ka mera bada koi favorite mask hai. Rehab makeup prep. This is from Urban Decay. तो ये मेरी बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं जो मैं स्किन पे थोड़ी बहुत यूज़ करती हूँ अपनी. ओके सो लेट्स कम इनटू द दिस सेक्शन. दिस इज़ ऑल माई ब्रशेज ओवर हेयर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये बिल्कुल अनप्लान्ड वीडियो है, इसका कोई प्लान नहीं था इस वीडियो का कि मैं आज बनाऊँगी, बट मैंने सोचा क्यों नहीं यार, चलो कोई नहीं, खैर होती है, आप लोग भी मेरी एक फैमिली हैं, मेरी बड़ी प्यारी सी फैमिली हैं, लेकिन मुझे सबके कमेंट्स चाहिए. तो ये ज़रा देख सकते हैं मेरे सारे ब्रशेस हैं विच आई यूज ऑन माय मेकअप. ओके इन दिस सेक्शन आई कीप इट समथिंग रियली रियली लाइट.
दिस इज़ वाइटनिंग ओवर स्क्रब. ये वाइटनिंग सेक्शन है. जब मुझे कभी लग रहा होता है कि मेरी स्किन बहुत डल हो रही है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, विच आई बॉट इट फ्रॉम लोकल मार्केट. और कोई ब्रांड, मतलब यही बस ब्रांड जो है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है. ओके, इन दिस सेक्शन आई हैव डर्मा, डर्मा शाइन, डर्मा स्क्रब, डर्मा एवरीथिंग. So yeah, this is Cosmo Charcoal Mask and everything. And this section I have a very few things, which is Face It ka a gold skin polish. ये भी बड़ा local market से मैंने लिया था, but it works very well. तो यार ये मुझे बहुत पसंद है. तो बस इस section में हमारी यही चीज़ें हैं. Now मैं आप लोगों को complete एक बार इस तरीके से भी अपना room tour करा देती हूँ. For those who were asking me अपना room tour करवाएं, तो yeah, this is my room. Okay, how can I forgot it? These frames are like ये मैंने Instagram की एक पेज से, मैं नाम भूल गई हूँ, but I'll do mention, लिया था, which I love personally, कि बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और बहुत ज़बरदस्त होते हैं और जिस तरह के आप लोग को चाहिए वो आप लोग को देंगे. And yeah, इसके बारे में यही बोल सकती हूँ. ओके, एंड दिस इज माय मिरर, दिस इज मी थर्ड टाइम, हाय, एंड दिस इज माय रूम लुक लाइक. सो या, एंड लेट्स कम इनटू द 180 सेक्शन. सो दिस इज माय 180, दिस इज द चेयर, एंड जहाँ मैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ऑलफुल चीज़ें रखी हुई हैं. आई कीप इट माई मोबाइल ओवर हियर, एंड जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ उसका कवर भी है माशाल्लाह. एंड दिस पिन्स मतलब ये भी है. दिस इज़ माई चेयर जहाँ मैं बैठ के, ये मुझसे शैडो गिर गया था, मैंने बहुत धोने की कोशिश की बट नहीं धुला, तो मैंने कहा चलो खैर होती है. सो दिस इज़ या. सो होप सो आप लोग को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आप लोग इसको पसंद करेंगे. और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ मैं ये व्लॉग, मेरी लिप्स भी बहुत ज़्यादा डार्क आ रही है बट खैर होती है, इग्नोर करिएगा. तो जिन्होंने मुझे बहुत सारा बोला था कि उनकी शादी है और उन लोग को आइडियाज़ चाहिए, तो ये मेरा रूम टूर था विच इज़ मोस्ट अवेटेड वीडियो. मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि व्लॉग बनाऊँगी बट नहीं बना पा रही थी, बहुत बिजी कैजुअल था मेरा, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो. बट फाइनली आई डिड इट. एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे इस व्लॉग को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट किएगा. एंड फॉर दोस्ट जो मेरा इंस्टाग्राम पे जाने वाला ये IGTV वीडियो है, उन सबको भी मैं ये बोलूँगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. अच्छे अच्छे, एक्चुअली मैं इस तरह की नहीं हूँ. मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, व्हेन आई पोस्टेड समथिंग ऑन सोशल मीडिया आई ऑलरेडी प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर क्रिटिसाइज्म, कि अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं कॉमेंट्स, बट होप सो गुड. अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ मैं आप लोगों से, क्यों नहीं रख सकती, बिल्कुल रख सकती हूँ. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा. और अबाउट द वैनिटी के कितने की बनी थी और कहाँ से मैंने बनवाई थी, तो ये वैनिटी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बनवाई थी एंड इट कॉस्ट समथिंग 1 लाख से ऊपर गई थी. तो या, और बाकी जो इसके अंदर सारी, इसमें इंक्लूड थी सारी लाइटिंग और बोर्ड कनेक्शन, ये सब इंक्लूड था. बट ऑल द डेकोरेशन, द लैम्प एंड द लाइटिंग, द डेकोरेशन, ये सब इसके साथ नहीं था, विच मैंने बड़ा स्लो करके, बिकॉज यू नो एवरी वन हैज़ बजट, तो उस बजट के हिसाब से चलते चलते फाइनली आई डिड इट. सो या, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा बहुत सारा, और अपनी अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा. और फिर मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग अपनी ज्वेलरी सेक्शन का, और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं, मतलब ज्वेलरी, मेकअप ट्यूटोरियल्स, ट्रांसफिक्शन वीडियोज़, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. या, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, बहुत सारे प्यार के साथ. अल्लाह हाफिज़.